बालपन। और बचपन तो होता ही मीठा है, बचपन तो होता ही आनंदमय है, बचपन तो होता ही ऐसा है कि जिस पर ना क्रोध आता, केवल प्रेम ही प्रेम आता। पर कुछ ऐसी माताएं हैं जो इतने छोटे छोटे बच्चों पे भी क्रोध कर लेती है। कौन कौन करती है बताओ? वो एक डेढ़ वर्ष का बालक, उसको भी पीट रही थी एक माता, इतना छोटा सा, बोले बहुत रोता है। तो क्या करे, इतना छोटा बालक, तीन तीन चार चार वर्ष के बालक चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हो, बोले बात नहीं सुनते। तुम 60 वर्ष के हो गए अभी तक नहीं सुनते? इसलिए ऋषियों ने कहा है कि 5 वर्ष तक बालक को केवल केवल प्रेम प्यार लाड़ दुलार दो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 5 के बाद जब वो 12 वर्ष तक का हो, 5 के ऊपर 12 वर्ष तक का हो, तब तक उसको प्रेम भी दो, लालन भी करो और थोड़ा सा ताड़न भी रखो। एक स्थिति बताई, जब वो जिस चीज को समझने की स्थिति में हो तभी उसको समझानी चाहिए। अब तो केवल प्रेम से केवल पालन ही पालन हो 5 वर्ष, 5 से 12, 10 12 तक फिर प्रेम भी उतना ही हो। इस तरह से फिर उसका सृजन करना है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाजे चोट, वो वाली स्थिति, भीतर से सहारा देते हुए थोड़ा सा ताड़न भी आवश्यक है। इसमें अब आप उस बालक का निर्माण कर रहे हो और फिर आगे तो मित्रवत व्यवहार करो। अब कहते हो कि सुनता नहीं, अब नहीं सुनेगा, अब सुनाने का समय चला गया। इसलिए बालपन बहुत कोमल होता है, बहुत आनंदमय होता है। विशेष ध्यान देना है इस बचपन में।